Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सबसे गलती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। उन्होंने कॉल किया हम लोग को, हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या एक्शन लिया गया मेरे पति के लिए? इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते में बोल गया है, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा पापा का बोला है बात करा। अब कहाँ से बात करा? मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला है, मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। उसे पहले सस्पेंड कीजिए, मुझे डीएम से मिलना है, उसके बाद किसके लिए भी मुझे सोचना। बस इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे। क्या हुआ सर? वो तो सबका फोन उठाते हैं सर। एक काम करिए भैया, आप फोन करिए, आप उन्हें बुला लीजिए। आपकी आदत अच्छी सर, भगवान लीजिए फोन सर। तो ऊपर बुलाइए, हम क्यों नीचे जाएं? अब मेरा जाने का टाइम खत्म, अब आने का टाइम लोगों का शुरू। जिसको जाना था मेरा चला गया, अब लोग जाएंगे। बुलवा लो, मैं क्या दिक्कत नहीं थी। प्रधानमंत्री बनाया क्या? बुलवा बुलवा बुलवा। जी मेरा नाम हरबीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं सर गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या रात में क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। सर हम अपने रूम में सो रहे थे, हम तीन लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512, होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, सामने है। क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पे लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है अपना, वो दिखाओ, आईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी दिखा देंगे, आईडी दिखाई मैंने अपनी, दिखा दी भाई की, दिखा दी क्योंकि भाई सोया हुआ था। तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना, मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मैं सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी हैं क्या? तो मुझे बोल रहा कि तू फालतू बोल रहा, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में अंदर, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, फिर अगल ठिकाने आ जाएगी। मन की जा पैसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, मनीष कुमार गुप्ता जी। किस लिए आए थे यहाँ सर? हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिलके, हमसे 15-20 मिनट पहले के अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया। उन्होंने चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप इन मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ, और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे कुछ सब कुछ नया ही था।
मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था अपनी बुलेट बाइक लेके गया था, मैं उसके साथ बैठ के मन किया यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास, मैं आया। कैसे मारे थे तो सर जब मुझे थप्पड़ थापड़ तोड़ मारे तो मेरे हिसाब से ऐसी मार, अब सर गट गन के बट से मारा अंदर सामने ही मार रहे थे। बिल्कुल सर मेरे को तो पकड़ के बाहर ले आए थे ना और गुप्ता जी मेरे सामने तो थप्पड़ लग रहे थे, मेरे को मारा मेरे को पकड़ के बाहर ले, फिर गुप्ता जी को थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं, आवाज आई एकदम से गिरने की। सर 5-7 पुलिस वाले थे, सारे लोग थे, सबका नाम तो नहीं, और जब वो दोबारा आए तो सर उन्होंने अपनी नाम प्लेट भी हटा रखी थी, सब लोगों ने पहले लग रही थी बाद में हटा रखी थी जब दोबारा। कितने स्टार थे? 3 स्टार थे सर एसएचओ साहब के। क्या नाम आपका? राणा प्रताप चंद। कहाँ थे आप? यहीं गोरखपुर से बढ़िया पार। अच्छा क्या हुआ था रात में आपको? सर हमारे कुछ मित्र लोग दिल्ली और एक कानपुर से और एक वहीं से गुड़गावा से आए हुए थे, यहीं कृष्णा पैलेस होटल में रुके हुए थे और हम लोग वही बैठक करके और मिली उल करके निकले अपने गांव के लिए। तो इन लोगों का फ़ोन हमारे पास जाता है कि पुलिस रेड की है और पुलिस रेड की है, रूम खुलवाई और दो लोगों को मार करके तीन गेस्ट एक कमरे में रुके थे और मार करके एक गेस्ट को बाहर करके एक गेस्ट और नीचे सोए थे, उनको उठा करके फिर उनको धक्का दे करके मारे, वो सर के बल पर के गिरे, वहीं उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एक्सपायर कर गए। कौन लोग थे जो मार रहे थे? पुलिस वाले थे, 5-7 लोग आए थे, एक थे एसएचओ रामगढ़ताल और एक थे अक्षय कुमार मिश्रा जी जो थाना तो चौकी इंचार्ज फल मंडी के हैं और 4-5 और कांस्टेबल थे साथ में। क्या वजह थी मारने की? कुछ कुछ नहीं, बस कहें रूटीन चेकअप पे आए हैं, कप्तान साहब का आदेश है। मैं कानपुर से आई हूँ, मेरे हस्बैंड कल सुबेरे यहाँ आ गए थे, इसी होटल में रुके थे और रूम नंबर 512, ठीक है, सुबह से शाम तक रुके, ढाबे से खाना खा के रात को घर आए, मतलब यहाँ होटल के रूम में आए, हमसे बात करी है, बातों बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस वाले आ गए, बेटा कोई आ गया है, मैं 10 मिनट में करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, उनकी बातों में हड़बड़ाहट थी, मुझे लगा कोई आया, ठीक है मैं 10 मिनट में बात कर लूँगी। उसके बाद उसी 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने दुर्गेश को कॉल करी है और कहा बेटा यहाँ पुलिस वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे थाने ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कोई अपराध मैंने नहीं किया है, उसके बाद भी ये हो रहा है मेरे साथ। मैम जब ये घटना हुई यानी कि उसके पहले आपसे उनसे बात हो रही थी? हाँ मेरे से बात हुई है कई बार। उसके बाद आपने क्या जानने की कोशिश की, क्या हुआ उनके साथ? अब जब उन्होंने दुर्गेश को बताया कैसा हो रहा है, दुर्गेश ने तुरंत बोला कि मेरे बगल वाले इंस्पेक्टर हवलदार जो भी उससे बात करा दीजिए, फ़ोन कट गया और उसके बाद से फ़ोन उठा ही नहीं है। दुर्गेश ने मेरे को कॉल किया, मामी ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने भी कंटिन्यू कॉल किया, मेरा भी फ़ोन कट रहा था, इनका भी फ़ोन कट रहा था, अब फ़ोन अभी तक मेरे पास नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मुझे दो क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए जो यहाँ आके मुझे फील हुए हैं। इस होटल की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, जिसको अपने परिवारजनों को मारना हो वो यहाँ के रहे। इस होटल का नाम है कृष्णा पैलेस जो गोरखपुर में है ना। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया। सर कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में जो होटल में मौत हुई थी, अभी क्या हो पाया सर और क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप? इसमें हमने प्रथम दृष्टिया 6 पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित किया था और जो
परिवार हैं उनकी तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ताकि इसमें आगे निष्पक्ष जांच हो, जो भी सही हो वो कार्रवाई हो इसमें। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए 10 लाख रुपये की अनुकंपा धनराशि परिवार को स्वीकृत की है, और इसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.